अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानगंज के गंगटी गांव में बाढ़ पीड़ितों ने सरकार के द्वारा राशन देने पर राशन बंटवारे को लेकर जमकर मारपीट कर ली है। जी हां, भागलपुर के सुल्तानगंज के गंगटी गांव में बाढ़ राहत सामग्री को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं इस मामले में एक बाढ़ पीड़ित ने बताया कि उनका घर अब्जुगंज पंचायत की वार्ड संख्या 12 में है। हमारे वार्ड के सभी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार के द्वारा पंचायत भवन में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां खाने के लिए वार्ड 12 के ग्रामीण गए तो लाठी डंडे से प्रहार कर मारपीट करने लगे, जिससे गांव की खुशबू देवी, अंजू देवी, माखो देवी, नीता देवी, सरिता देवी, बीसो मंडल सहित कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद एक घंटे तक सड़क जाम किया गया। वहीं गंगटी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि शाहबाद वार्ड 12 के ग्रामीण राशन बंटवारा करने के लिए मांग कर रहे थे, नहीं देने पर मारपीट कर लिए। सरकार के द्वारा दिया गया अनाज भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोग यहाँ और वहाँ का जनता सब एक ही है, ठीक है, लेकिन केंद्र जो है शाहबाद गंगटी समुदाय भवन में बना है, तो यहाँ पे बंद है खाना। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी ये बाढ़ पीड़ित में से फंसे हुए हैं सभी आके मिलजुल के खाइए, यही खाइए, यही खाइए। तो और सीओ का भी ऑर्डर है, जो भी वहाँ के सरकार, तो मार क्यों भाई, ये मार उन लोगों का कहना है कि हम लोग को कच्चा सामान बांट के दीजिए। गंगटी गलिया ना कि हमको खाने दीजिए, बोल रहा है कि हम नहीं खाने दीजिए, गलिया हमको हम करी के खाएगा, नहीं खाओ सब चीज उल्टा दिया उसने, मार मारे के भगा दिया सबको, लग रहा मार मारे भगा दिया। प्रकृति के अप्राकृतिक व्यवहार की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है। इलाके का नाम है इस्माइलपुर, कभी सांसद का गोद लिया हुआ गांव हुआ करता था, लेकिन आज गंगा किनारे उस इलाके की कहानी जार जार करने वाली सी हो गई है। इस्माइलपुर से आने जाने वाला रिंग रोड ध्वस्त हो चुका है। थाना अस्पताल प्रखंड कार्यालय के अंदर कमर भर पानी है। घर में अब ना तो सूखा राशन है और सामुदायिक किचन भी बंद हो गया है। इलाके में रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है और ना ही पेयजल और शौचालय की है। क्या इंसान और क्या जानवर सब के सब सब हो जाने की कगार पर है। अब जरा तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अगर सीएम नीतीश कुमार 17 अगस्त को इलाके में आए तो हवाई सर्वेक्षण के बाद जमीनी बातें हवा हवाई क्यों हो गई। कोई समस्या, मतलब डॉक्टर डॉक्टर नहीं बैठे जा अभी, टोपिया ठीक जा अभी जो सब ऐसा फसै छे बाबू, रोडो पर छे बाबू, पन्नियो नहीं छे रहे ले, खाल दे रे बाबू खिचड़ी, तीन रोज चार रोज खिलेलके आरो खिचड़ी गेले बाबू, बच्चा भुखले छे घर में, ये नहाय जे छे के हे देखो बच्चा सब बाबू ले कैलो छे कि नहीं खिचड़ी है ले, लेकिन नहीं मिले बाबू सब बच्चा सब देखो, आरो नहीं नाव नहीं डॉक्टर, कोई समस्या नहीं छे बाबू हमरा। समस्या बड़ी गंभीर छै, घरों में डरो पेट पानी छै, लाभा को ठिकाना नहीं छै, नहीं लाओ छै, नहीं खाना में दे छै, नहीं कोई व्यवस्था छै, देखै जे जा रहलो छियै रिंग बना पर, रिंग बान के हम बहुत कठी गेलो छै, परेशानी छियै ये इसनी चीजो से, हम बताओ नहीं दे छै मानी घर से छै, लाभो नहीं दे रहलो छै, के आबै छियै, नाव नहीं मिललो छै, नाव नहीं मिललो छै हमरा निकल, अच्छा सरकारी नाव सुविधा नहीं मिललो छै, कुछ कहीं नहीं, अच्छा ठीक छै। बाढ़ से पूरा बिहार बेहाल है और जिला प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। जहां जिला प्रशासन की व्यवस्था सही है, बिग न्यूज ने उसे वैसा ही दिखाया, लेकिन नवजात शिशुओं को लेकर जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो यहां खोखली साबित हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं सबौर प्रखंड की रजंदीपुर पंचायत के लालू चक की, जहाँ नवजात राकेश बाढ़ के बीच फंसा हुआ है। दूध की पूर्ति तो माँ से पूरी हो जा रही है, लेकिन इस उम्र में दवाई और टीके की जो जरूरत है उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नवजात राकेश का हाल जाने कोई नहीं पहुंच रहे हैं, जो दावे हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। नवजात राकेश की माँ गुड़िया को भी कष्ट है। राकेश के पिता ने कहा कि कोई हाल जानने नहीं आया,
जब भी खांसी या तबीयत खराब होती है तो नाव करके अस्पताल ले जाना पड़ता है। यहाँ देखिए अस्पताल में जन्म हुआ था, उसके बाद से यहाँ जब लाए हैं तो बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ में दूध तो माँ का पीता है, लेकिन दवाई उवाई खांसी उसी अगर हो गया तो उसमें बहुत परेशानी होता है। आने जाने में फिर बच्चा लेके डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत परेशानी होता है। डॉक्टर को आता देखने के लिए? नहीं, डॉक्टर यहाँ कहाँ से आएंगे। तो है कि यहाँ डॉक्टर उक्टर आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आते हैं। तो कैसे उसका फिर हो पाएगा यदि कहीं? फिर नाव लेके रिजर्व करके जाना पड़ता है, वहाँ दिखा के फिर आना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ है डॉक्टर सब, ब्लॉक सब के आसपास में है, ब्लॉक चौक के अगल बगल में। अच्छा, शिशु विशेषज्ञ वहीं ले जाकर दिखाते हैं। जब ये कहाँ पर हुई थी बच्चा? यहाँ अस्पताल में हुआ था, सबौर अस्पताल में, सदर अस्पताल सबौर। अभी ज्यादा कष्ट हो रहा है, अभी ज्यादा पानी हो गया इसलिए ज्यादा। क्या चाहते हैं यहाँ डॉक्टर आना चाहिए? हाँ, यहाँ डॉक्टर आना चाहिए। क्या नाम रखे बच्चे का? क्या नाम रखे बच्चे का? नाम है राकेश कुमार। राकेश, आपका क्या नाम है? श्याम कुमार। श्याम कुमार। जरूरत है जिला प्रशासन को ऐसे नवजात और कष्ट में रह रहे लोगों को चिन्हित कर सभी सुविधा मुहैया कराने की। भागलपुर से बाढ़ के पानी के बीच से अश्वनी कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड और नेपाल में हो रही बारिश के कारण बिहार में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर के अधिकांश इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खासकर गंगा से सटे इलाके और देरा इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ कहर बनकर टूटी है। घरों में पानी घुस जाने से देरा इलाके के लोग छप्परों पर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये लोग राशन पानी के लिए रोजाना नाव से शहर जाते हैं और वहाँ राशन पानी की व्यवस्था करके फिर से घरों में आ जाते हैं। बता दें कि सुल्तानगंज, नाथनगर, सबौर प्रखंड के देरा इलाकों में सभी गांव जलमग्न हैं और इन इलाकों में करीब 15 से 20 हजार लोग रह रहे हैं। यहां अभी घरों में 10 से 15 फीट पानी है। खानपान की समस्या के साथ इनकी परेशानियों का कारण सांप समेत जहरीले जीव जंतु भी है। जान को जोखिम में डालते हुए लोग घरों के छप्पर पर पॉलीथीन और तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर है। सैकड़ों परिवार ऐसे पानी के बीच दिन गुजार रहे हैं। स्थिति ऐसी बनी है कि लोग शहर आकर राशन पानी लेकर लौटते हैं तो नाव से सीधे अपने घर के छप्पर पर उतरते हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय कुमार मंडल ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कदवा दियारा, खैरपुर दियारा व ढोलबज्जा पंचायतों का दौरा कर वहां के बाढ़ पीड़ितों से मिले। वहां लोगों ने सांसद से सूखा राशन, पशुओं का चारा, शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं किसानों के फसल क्षतिपूर्ति की मांग की। वहीं सांसद ने हर संभव मदद दिलाने की बात कहकर कदुआ व ढोलबज्जा के बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन वितरण कराने को कहा है। मौके पर पंचायत के मुखिया राजकुमार उर्फ मुन्ना मंडल, जिला परिषद नंदनी सरकार, ढोलबज्जा के समाज सेवी सह मुखिया प्रत्याशी रामनंदन मंडल, जदयू नेता नीतीश कुमार निराला के साथ कई लोग मौजूद थे। भागलपुर में बाढ़ के पानी ने ट्रेन के आवाजाही को रोक दिया है। भागलपुर से कहलगांव रेलखंड पर सबौर के आगे एवं ममलखा रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी धंस गई है। पटरी के नीचे से बाढ़ का पानी बहने लगा है। नतीजा भागलपुर का रेल संपर्क सिर्फ बांका और दुमका रेलखंड के माध्यम से ही हो पा रहा है। वहीं कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और कई ट्रेन के रूट में तब्दीली की गई है। वहीं बिना जानकारी के स्टेशन पहुंच रहे यात्री परेशान हो रहे हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण गंगा का जलस्तर पटरी तक पहुंच गया है। इसके बाद कई ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, साथ ही कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर स्टेशन परिसर में और ये यहाँ पर देख सकते हैं कई ट्रेनें यहाँ पर रुकी हुई हैं।
जो विक्रमशिला ट्रेन है और जो भी मुख्य ट्रेन है उसका परिचालन जो है बांका और क्यूल के रास्ते किया जा रहा है, समय बदल दिया गया है और रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद और भी कई ट्रेनें जो हैं उस ट्रेन के परिचालन को रद्द कर दिया गया है, जिसमें से राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी स्पेशल है, साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी स्पेशल है, मालदा क्यूल स्पेशल है, जमालपुर भागलपुर जमालपुर स्पेशल है, साहिबगंज जमालपुर स्पेशल है, जमालपुर क्यूल स्पेशल, बांका राजेंद्र नगर स्पेशल, इस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ जिस ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है वो है विक्रमशिला एक्सप्रेस भाया बांका जी बांका जसीडी हावड़ा गया स्पेशल भाया झाझा डाउन फरक्का एक्सप्रेस, साथ ही यहां पर भी और ट्रेन है ब्रह्मपुत्र मेल भाया कटिहार बरौनी कर दिया गया है, डाउन विक्रमशिला को भाया झाझा जसीडी बांका किया गया है, अप फरक्का एक्सप्रेस को भाया कटिहार पटना चलाया जा रहा है, साथ ही हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस को भाया रामपुर हाट दुमका के रास्ते चलाया जा रहा है और रांची बर्नांचल एक्सप्रेस भाया दुमका रामपुर हाट के रास्ते से चलाया जा रहा है, साथ ही साथ मालदा आनंद बिहार न्यू फरक्का एक्सप्रेस भाया कटिहार बरौनी 17 अगस्त के बाद से जो इसका ट्रेन का जो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं बता दें कि इधर जो भागलपुर से कहलगांव का जो रूट था उस पर भी पानी चढ़ गया है, लैलख ममलखा के पास ब्रिज नंबर 144 ए के गार्डर तक पानी पहुंच गया है, जिसके बाद उस रूट के ट्रेन के परिचालन को भी रोक दिया गया है। कहलगांव साहिबगंज तक जमालपुर से जो है कहलगांव से साहिबगंज तक जो ट्रेनें हैं वो बंद हो गई है। यात्री जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन परिसर कम पड़ गया है यात्रियों से, यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में यात्री दिखते थे लेकिन ट्रेन भी कम हो गया और यात्री भी यहाँ पर कम हो गया। इनसे ही हम बात करेंगे, यात्रा करने आए हुए, कहाँ जाना है? पटना। पटना जाना है, ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, जसीडी होते हुए जाना है। जसीडी कौन सा ट्रेन? आनंद बिहार। आनंद बिहार टर्मिनल जी। घूम कर जा रहे हैं? घूम के जा रहे हैं। परेशानी तो हो रही है? काफी परेशानी हो रही है, समय भी ज्यादा लगा। मालदा ट्रेन की थी वो भी कैंसिल हो गई, टिकट भी ऐसे चली गई, रिफंड भी पैसा नहीं आया। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि समय भी बदल दिया गया और परेशानी तो काफ़ी हो रही है क्योंकि ट्रेनों के परिचालन को जो है रूट का जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। अश्विनी कुमार, पिग न्यूज़, भागलपुर। जगदीशपुर थाना अंतर्गत भागलपुर हजडिया राजमार्ग पुलिस बल की गश्ती की सुस्ती से 6 घंटा तक जाम की गिरफ्त में रहा। एम्बुलेंस में मरीज तड़पती रही और जगदीशपुर पुलिस रोड पर जाम हटाने नहीं आई बल्कि अपना काम अपनी सुस्ती से करती रही। आपको बता दें भागलपुर जिला मुख्यालय आने वाली पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दिशा हर ओर जबकि गंगा के पानी से आवागमन बाधित है। ऐसे में भागलपुर दुमका मार्ग ही ऐसा मार्ग पड़ता है जो लोगों के लिए भागलपुर पहुंचने का साधन है। इसके बावजूद पुलिस की सुस्ती इस मार्ग पर देखने लायक है। पुलिस प्रशासन की थाना स्तर पर लापरवाही का सबसे बड़ा कारण इस इलाके का अवैध बालू कारोबार है। आपको बता दें एक और राज्य सरकार के स्तर पर बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है लेकिन जगदीशपुर जैसे इलाके बालू माफिया एवं पुलिस प्रशासन के लिए अवैध कमाई का सुरक्षित जोन बना हुआ है। यहां दिन रात अवैध रूप से बालू की डंपिंग एवं लोडिंग होती रहती है जिसमें आपकी कितनी कमाई होती होगी यह आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। पटना एवं कोलकाता जाने वाली मरीज एम्बुलेंस में छटपटा रहे थे लेकिन वह चालक भी क्या करते सिवा हॉर्न बजाने के। ट्रक ड्राइवर के साथ साथ बड़ी बस ऑटो एवं बाइक चालक को भी आने जाने में काफ़ी अधिक परेशानी हुई। वे घंटों जाम में फंसे रहे और प्रशासन को कोसते रहे। जब इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष की कार्रवाई जानने का प्रयास किया गया तो उनके मोबाइल की घंटी बार बार बजती रही लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिन भर डंपिंग और रात भर ट्रैक्टर और ट्रक पर लोडिंग और सुबह ट्रैक्टर की पासिंग पर जब वरीय अधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे तब तक इस राजमार्ग एवं इलाके की स्थिति बदलने वाली नहीं लगती है। दर्शकगण खुद भी समझ सकते हैं कि जगदीशपुर पुलिस और बाईपास पुलिस जनता की समस्याओं के प्रति कितने संवेदनशील है। गंगा नदी की विनाशकारी बाढ़ अभी भी भागलपुर इलाके में 50 घंटे तक तांडव करेगी। चूंकि अपस्ट्रीम पटना में पानी स्थिर और कम होने लगा है, बात अगर शहरी आबादी बीच तबाही की करें तो उसका एक उदाहरण भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां बाढ़ के पानी में तकरीबन 150 लोग फंसे हुए हैं। डीएम को जब उस बाबत जानकारी मिली तो एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए भेजा गया लेकिन वहां फंसे छात्र और कर्मचारी निकलने को तैयार नहीं है। पूछने पर बताते हैं कि अगर इलाका खाली करेंगे तो कॉलेज में चोरी होने लगेगी।
उहापो और दुविधा में बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग सरकार कह रही है कि आप लोग चलिए कि बोला आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। ठीक ठीक हम लोग आए थे किसी को निकालने के लिए, हम लोग निकालने के लिए आए थे, हम लोग आप जाए बचाने के लिए, हम लोग चलो ना। अब देखिए हमारी तो प्रयास है ना, SDRF आपदा प्रबंधन विभाग आपसे विनती कर रही है, सरकारों विनती कर रही है कि सुरक्षित जगह पर आप लोग चलिए। तो आप लोग की देखिए छोटा छोटा बच्चा पानी बढ़ने वाला है, चलिएगा बाहर सुरक्षित स्थान पर, आपको लेकर के चलते हैं। खाना पीना सब मिलेगा सरकार की तरफ से, और DM साहब बोले हैं समझे ना, उनको लेकर के आइए चलिएगा। अरे हम भी सरकारी आदमी हैं, आपदा प्रबंधन SDRF के आदमी है। तो मोतिहार भोजपुरी समझे तनी खूब बढ़िया तनी, रौरा पूरा बाल बच्चा पानी अभी बढ़े वाला बा जननी। आज जिला पदाधिकारी भागलपुर महोदय कहले हैं कि उनका के निकाल के लेके सुरक्षित स्थान पर लेके आओ, आ खाना उना सब मिली हो जा, ठीक चली रौरा। अब तो भर जाए कुछ भाषा हो जाए तब जाए, अरे बच्चे उच्चे के उसमें सांप जीव जंतु है, और कितना पानी भरा हुआ देख लीजिए, चलिए ना। कितना बच्चा है, अच्छा कितना बच्चा वहाँ पर, कितना। भारत सरकार के पर्यावरण एवं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे और नौगछिया इलाके में बाढ़ से पीड़ित लोगों के राहत शिविर में जाकर सरकार की व्यवस्था को देखा। उसके बाद भागलपुर के सुंदर वन का मुआयना किया। राज्य और केंद्र सरकार में मंत्री रहे अश्विनी चौबे ने स्वीकार किया कि उनका भागलपुर इको टूरिज्म का हब है। गांगे डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जल जीव है उसकी बहुलता भागलपुर में है। विलुप्त होती गरुड़ की संख्या भागलपुर में बढ़ रही है। प्रवासी पक्षियों का बसेरा जगतपुर का झील है। ये सारी उपलब्धियां मंत्री के लिए अजूबा जैसा था। भागलपुर के होते हुए भी वे अब तक इससे अनजान थे, मंत्री जी ने खुद स्वीकारा। लेकिन अब जब पर्यावरण मंत्री है तो गरुड़ दर्शन के बाद सब कुछ अच्छा होने की बात बताए हैं। हमारे जो DFO हैं इनके साथ और जो वाइल्ड लाइफ के मास्टर कहे जाते हैं श्री अरविंद मिश्रा जी, इन सब लोगों के साथ डॉक्टर सभी हम लोग मिलकर के बातचीत किया है। इसको जो वन्य प्राणी है ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और ख़ास करके जो वाइल्ड लाइफ है हम उसको कैसे धरोहर उस धरोहर की रक्षा कैसे करें, हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं। जो चीज़ ये पिछले 7 साल में 2014 जो हम लोग पहले से प्रस्ताव लाए थे, अब 2014 से यहाँ DFO बैठने लगे और ये घोषित हो गया फॉरेस्ट के बारे में। तो स्वाभाविक है वन्य प्राणियों का रक्षा कैसे हो, यहाँ जो अभयारण्य है जो खास करके डॉल्फिन का जो विशेष रूप से गंगेटिक डॉल्फिन, इसके लिए एक अभियान चला करके और सुल्तानगंज से कहलगांव पीरपैंती तक लगातार हम लोग मांग करते थे। और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आप सब लोगों ने मिलकर के हम सब लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो बिहार को पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी और प्राकृतिक का ऐसे तमाम चीज़ों का यहाँ मेडिसिनल प्लांट भी लगे हैं। भागलपुर में मुहर्रम और बिहुला बिसरी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। CTSP स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान शहरी क्षेत्र के सभी थानेदार, BMP, CIT और जिला पुलिस बल के जवान शामिल थे। लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करने को लेकर फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकालकर खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, ततालपुर चौक, पर्वती चौक होते हुए नाथनगर पहुंचा और शहर के सभी संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान CTSP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि बिसहरी पूजा और मुहर्रम एक साथ है, इसको लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अभी बिसहरी पूजा और मुहर्रम दोनों एक साथ ही हैं और दोनों त्यौहार जो है उसमें विधि व्यवस्था संधारित हो और सभी सुरक्षा मूलक जो हम लोग उपाय है उसके क्रम में हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। SSB की भी टीम आई हुई है, अपने DAP का फोर्स है और अपना जिला पुलिस बल के साथ हम लोग फ्लैग मार्च का आयोजन पूरे शहर में कर रहे हैं।
सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र की सैकड़ों बाढ़ पीड़ित पहुंचकर प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को दोपहर में तपती धूप में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि खाना में दाल चावल और सब्जी दिया जाता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठकर खाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।